गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन ने अभी तक सिक्स्थ चैप्टर कंप्लीट किया है और वो सिक्स्थ चैप्टर अपने सिलेबस से हटा दिया है क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो इस वजह से अपन स्कूल नहीं जा पा रहे। तो क्या किया है कि कुछ सिलेबस को कम कर दिया है ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अपना सिक्स्थ चैप्टर सिलेबस से हटा दिया है। अभी आपके एग्ज़ाम में फर्स्ट और फिफ्थ ये दो चैप्टर मैंने दिए हैं आपको, ठीक है। तो मैं आपको इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन समझा रही हूँ, इन एनसीईआरटी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करो, लिख लिख के लर्न करो, ठीक है। और अगर कहीं पर दिक्कत आए कोई क्वेश्चन लर्न करने में, किसी की हिंदी समझने में, तो मेरे से पूछो और इन्हीं में से आपके जो पेपर है वो इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। तो सारे क्वेश्चनों को अच्छे से लर्न करना, ठीक है। कुछ छोटे क्वेश्चन जो आएंगे वो छोटे क्वेश्चन, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी इन्हीं एनसीईआरटी की बुक में से बनेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अपने पास में हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, कि सेल की डिस्कवरी किसने की और कैसे की। तो सेल्स सबसे पहले किसने डिस्कवर किए थे, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने किया था। उन्होंने क्या किया सेल को डिस्कवर करने के लिए, जो प्लांट का अपने को जो छोटा दिखाई देता है उसको अपन बोलते हैं कोर्क या फिर बार्क सेल, ठीक है। उस कोर्क या बार्क सेल को ऑब्जर्व किया उन्होंने, अपने खुद का उनका माइक्रोस्कोप था, उस माइक्रोस्कोप के अंदर तब उनको बॉक्स के जैसे कंपार्टमेंट दिखाए गए थे, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए, ठीक है। तो सेल्स वर डिस्कवर्ड इन 1665, सेल्स 1665 में डिस्कवर किए गए थे एक साइंटिस्ट के थ्रू जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने ऑब्जर्व किया था थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को, यानी कि जो कॉर्क अपना प्लांट का छोटा जो होता है उसको ऑब्जर्व किया था अंडर हिज प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। उसका खुद का माइक्रोस्कोप था और बहुत ही अलग टाइप का माइक्रोस्कोप था वो, प्रिमिटिव टाइप का। आज जो माइक्रोस्कोप है ना उनसे बहुत अलग था वो, ठीक है। एंड फाउंड द कॉर्क स्लाइस कंटेंड टिनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट। और उन्होंने क्या देखा कि जो कॉर्क स्लाइस था ना उसके पास में छोटे छोटे बॉक्स की जैसे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स थे, और वो स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देते कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो, हनीकॉम जैसे। इसलिए उनको उन्होंने क्या नाम दिया उन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को, सेल का नाम दिया, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वाई इज़ द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं लाइफ की। क्या होता है सेल जो होती है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी के सभी जो सेल के बने होते हैं, और एक सेल क्या कर सकती है सारे फंक्शंस को अपने आप परफॉर्म कर सकती है। जितने फंक्शन हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही है, बहुत सारी सेल्स मिलकर परफॉर्म करती हैं, उतने के सारे फंक्शन एक सिंगल सेल भी परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। तो ए सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। वेल ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन होती है इसके पास में, ठीक है। सेल ऑर्गेनलीज होती हैं, एक ही सेल के पास में बहुत सारी सेल ऑर्गेनलीज होती हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ठीक है। विच प्रोवाइड इट अ डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एबिलिटी, जो इसको एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबिलिटी प्रोवाइड करती है। जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी फंक्शन हमारी बॉडी के काम करते हैं, ठीक है, वो एक सिंगल सेल जो है वो भी परफॉर्म कर सकती है। हैंस द सेल इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं, हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंगल सेल के बने होते हैं, जैसे कि अमीबा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और नेम द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलर में कौन कौन आता है अपने पास में, अमीबा आता है और पैरामीशियम आता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ सेल, कि सेल के अंदर और सेल के बाहर ये CO2 और वाटर जैसे जो सब्सटेंस है वो कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं। तो अपनी सेल के बाहर है ना एक ऐसे मेम्ब्रेन होती है, तो उस सेल की मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, कुछ चीज़ों को सेलेक्ट कर लेगी, जैसे अपनी क्लास में सिर्फ 9th क्लास के बच्चे आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे 10th क्लास को या फिर 6th क्लास वाले बच्चों को आने नहीं दूंगी मैं, है ना, अपनी क्लास में। तो क्या होगा वो सेलेक्टिवली परमिएबल, मैंने कुछ सेलेक्टेड बच्चों को एंट्री करवाई है क्लास के अंदर। तो ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या करती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सेलेक्ट कर लेती है चीज़ों को, ठीक है, और अलाउ करती है उनकी एंट्री और एग्जिट। जैसे कि अपने पास में CO2 है, वाटर है, कुछ सब्सटेंस जो है वो सेलेक्ट करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनको अंदर आने और बाहर जाने देगी। मूवमेंट ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन। जहाँ ज़्यादा होगी, ठीक है, जो CO2 है उसका अंदर और बाहर का मूवमेंट कैसे डिपेंड करता है डिफ्यूजन के ऊपर, यानी कि जिस साइड में ज़्यादा CO2 है, मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा CO2 है तो ये इस साइड में आ जाएगी, अगर यहाँ CO2 बहुत ज़्यादा है तो वो इस साइड में आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, ठीक है।
अच्छा इसके बाद में अपना क्या आता है, व्हेन सी ओ टू कंसनट्रेशन इज मोर इन साइड द सेल, जब कंसनट्रेशन सी ओ टू की बहुत ज़्यादा है सेल के अंदर तो वो सेल के बाहर आ जाएगी, और अगर सेल के अंदर बहुत कम है और सेल के बाहर ज़्यादा है तो गैस मूव कर जाएगी इन साइड द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। ठीक, ये तो हो गया किसके बारे में, सी ओ टू के बारे में। इसके बाद अपने पास में क्या आता है, वाटर कैसे मूव करता है, तो वाटर भी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, कौन ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाटर के लिए भी सेलेक्टिवली परमिएबल है, लेकिन इस बार जो प्रोसेस उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, गैसेस के लिए जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है, डिफ्यूजन, CO2 के लिए डिफ्यूजन है, और जो ऑस्मोसिस है वो किसके लिए है, वाटर के लिए है। वाटर के अंदर क्या होता है, ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, जो वाटर है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड में मूव करेगा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को अंदर आने देगी अपने सेल के, और उन्हीं में से कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को सेल के बाहर जाने देगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर और सेल के बाहर को केवल सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स की एंट्री और एग्जिट को अलाउ करती है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, फिर अपने पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, फिलिंग द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल के अंदर अपने को गैप फिल करने हैं, तो गैप फिल करने के बजाय मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपने पास में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस है, क्या जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो बहुत छोटी सेल होती है जिसका साइज क्या होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। यूकैरियोटिक सेल जो लार्ज होती है इस प्रोकैरियोटिक के कंपेयर में, इसका साल का साइज कितना होता है, 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसका डीएनए कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो न्यूक्लियस कर वाला रीजन होगा ना वो उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर अपने जो यूकैरियोटिक सेल है उसके पास कैसा होगा, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके बाहर एक मेम्ब्रेन मिलती है, तो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विच इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यानी कि सेल के अंदर और कोई भी ऑर्गेनेल अपने को नहीं मिलेगी जिसके बाहर मेम्ब्रेन हो, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं, वो राइबोसोम स्कैटर्ड रहते हैं, फैले हुए रहते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम है वो न्यूक्लियस की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लाई करते हैं, उसके बाद है अपने पास में यहाँ न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसके एग्जाम्पल क्या है, फंगस प्लांट और एनिमल, सारी कैसी सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, कैन यू नेम द टू ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, के आपको ऐसे दो ऑर्गेनेल के नाम बता सकते हो क्या जिनके पास में खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं, अपन डीएनए को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जितनी भी सेल के पास में ऑर्गेनली है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर है, ये सारी की सारी के पास में क्या होता है, खुद का कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, जबकि दो सेल ऑर्गेनली अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल एंड केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन, ये कह रहा है कि अगर जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि सेल की जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाए, वो डिस्ट्रॉय हो जाए किसी भी कारण से, चाहे वो कोई फिजिकल कारण हो या फिर कोई केमिकल की वजह से हो गई हो, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा। देखो सेल क्या करती है, सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है ना, तो ऑल द बेसिक फंक्शन दैट इज सेल कैरीज आउट, वो सारे के सारे बेसिक फंक्शन जो सेल परफॉर्म करती है, नीड ए वेल ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर, उन सबको परफॉर्म करने के लिए सेल को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर चाहिए और एक कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट चाहिए। अगर सेल की स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए किसी भी फिजिकल या केमिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, तब जो स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट होगा, वो जो होम्योस्टेसिस वर्ड छोड़ देना, देन द स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, जब स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट होगा वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। जब हमारी भाई सेल है, सेल के अंदर जो भी चीज़ें हैं, सेल की बाहर की तोड़ दिया अपन ने मेम्ब्रेन को, तो सेल के अंदर की जो भी चीज़ें होंगी सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, टूट जाएंगी, और सेल जो है वो अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ड्यू टू दिस द सेल वुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट्स बेसिक फंक्शन, सेल जो है अपने बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास में, वाइल लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग्स, कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइसोसोम
सुसाइड का मतलब क्या होता है, सुसाइड कर जाना, मर जाना, ठीक है, या फिर दूसरों को भी मार दे वो। तो लाइसोसोम्स के पास में बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जितने भी अपने पास में ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं ना, उन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को तोड़ सकते हैं। जब सेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो ख़राब हो गया, यानी कि सेल्स जो है वो ख़राब हो गए, सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही है, व्हेन द मेटाबॉलिज्म तो सेल इज गेट डिस्ट्रॉयड और सेल गेट्स डैमेज्ड, तो लाइसोसोम जो है वो फट जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा और वो एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे और खुद की ही सेल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल। नेक्स्ट है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इन सेल। सेल के अंदर प्रोटीन्स की सिंथेसिस कहाँ होती है, राइबोसोम के ऊपर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होती हैं। तो देखो, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, प्लांट सेल्स जनरली लार्ज होती हैं और एनिमल सेल्स कैसी होती हैं, छोटी होती हैं, स्मॉल होती हैं। प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है जिसको अपन बोलते हैं सेल वॉल, और सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है, सिर्फ सेल के बाहर एक ही लेयर होती है, उसका नाम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस जैसे मान लो ये हमारी कोई सेल है तो वो न्यूक्लियस साइड के अंदर होगा, जबकि एनिमल सेल के अंदर ये सेल है तो न्यूक्लियस कहाँ होगा, हमेशा सेंटर के अंदर होगा। साइड को क्या बोलते हैं, पेरीफ्री बोलते हैं। अब साइड में क्यों चला गया, क्योंकि बीच में एक लार्ज वैक्यूल आ गया, उस लार्ज वैक्यूल ने न्यूक्लियस को धक्का दे दिया और न्यूक्लियस साइड में चला गया। यहाँ पर स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होती है, वो प्लास्टिड में से एक प्लास्टिड का नाम होता है क्लोरोप्लास्ट होगा वहाँ पर, और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करवाती है। एनिमल्स के पास में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, प्लास्टिड एब्सेंट है तो क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट है। प्लांट सेल के पास में फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एनिमल सेल के पास में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाना होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्या डिफरेंस अपने पास में, गोल्जी अपैरेटस जो होते हैं प्लांट सेल के पास में, वो छोटे छोटे होते हैं और उनको अपन क्या बोलते हैं, डिक्टायोसोम्स बोलते हैं। प्लांट सेल्स में गोल्जी अपरेटस को क्या बोल सकते हैं, अपन डिक्टायोसोम्स बोल सकते हैं। एनिमल सेल्स में गोल्जी अपरेटस कैसे होते हैं, सिंगल यूनिट के बने होते हैं। उसके बाद क्या, सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर लाइसोसोम्स बहुत कम होते हैं, यहाँ लाइसोसोम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। प्लांट सेल्स जो होती है वो कैन सिंथेसाइज बहुत सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं और विटामिन्स हैं, उनकी फॉर्मेशन खुद कर सकती है प्लांट सेल, जबकि एनिमल सेल के अंदर अमाइनो एसिड्स और विटामिन्स की सिंथेसिस नहीं होती है। एनिमल्स क्या करते हैं, जो अपनी डाइट खाते हैं, मतलब बाहर से जो फूड लेते हैं उसके थ्रू अमाइनो एसिड्स को लेते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, हाउ अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल, ये डिफरेंस अपन ने अभी देखे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेकडाउन, ये भी वही है कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाएगी तो क्या होगा, जो भी चीज़ें आ नहीं जा रही हैं सेल के अंदर, वो सेल के अंदर और बाहर नहीं आ जा पाएंगी, ठीक है। तो सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, वो इंटरनल एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा और सेल क्या है, सारे फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वुड हैपन टू लाइफ ऑफ द सेल इफ़ देयर वाज नो गोल्जी अपरेटस, अगर सेल के अंदर गोल्जी अपरेटस नहीं है तो क्या होगा सेल के साथ में। देखो, गोल्जी अपरेटस का जो काम होगा वो काम बंद हो जाएगा अगर गोल्जी अपरेटस नहीं है। तो गोल्जी अपरेटस का काम क्या होता है, पैकेजिंग करवाना, प्रोटीन्स को अलग अलग पैकेज में बंद करवाती है वेसिकल्स के अंदर, स्टोरेज करवाती है, मॉडिफिकेशन करवाती है, ठीक है, और जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी सामान आएगा उस सब के साथ में वो पैक करती है, ठीक। ये यहाँ तक जो बताया हुआ, ये क्या है कि गोल्जी अपरेटस का काम होता है। अब जब गोल्जी अपरेटस ही नहीं है तो ये काम होगा ही नहीं, वुड नॉट टेक प्लेस लिख देंगे हम इसके आगे। फिर क्या है, सेल प्लेट जो बनती है सेल डिवीजन के टाइम पर, एक सेल से जब दो सेल बनेंगी तो वो सेल के टाइम पर क्या होगा, सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है और वो कौन करवाता है, गोल्जी अपरेटस करवाता है। अब गोल्जी अपरेटस नहीं है तो वो सेल प्लेट नहीं बनेगी, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा, गोल्जी अपरेटस लाइसोसोम, परोक्सीसोम, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, इन सब की फॉर्मेशन करवाता है। गोल्जी अपरेटस नहीं है तो इन सब की फॉर्मेशन भी नहीं होगी, नॉट अकर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, विच ऑर्गनली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं किस ऑर्गनली को है और एंड बाय,
क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अपन पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जितने भी रेस्पायरेशन की एक्टिविटीज़ होती है ना, वो सारी की सारी कहाँ होती है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। जो फूड अपन खाते हैं उसको ऑक्सीडाइज करेंगे CO2 और H2O में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एनर्जी को रिलीज करवा देते हैं। और फिर यही एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है एनर्जी रिच कंपाउंड ATP की फॉर्म में। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट, ठीक है। और इसके बाद में जब अपने को यूज़ होगा कि भाई अपने को एनर्जी चाहिए, तो उस टाइम पर ये ATP अपनी बॉडी से यूज़ कर ले जाती है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, वेयर डू लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड, कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो अपने लिपिड्स और प्रोटीन्स होती हैं उनकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है। तो लिपिड्स और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए क्या है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड्स, अमीबा अपना फूड कैसे लेगा। देखो ये कोई अमीबा है इररेगुलर सा, ये अमीबा के आसपास जब फूड जाता है ना, तो वो क्या करेगा, इसको इस तरीके से एनगल्फ कर लेता है, अपनी मेम्ब्रेन को आगे बढ़ाएगा और इस फूड को कवर कर लेगा। तो एनगल्फ कर लेगा फूड को और दूसरे मटेरियल्स को जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है, और अमीबा कि इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर ले लेना फूड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के साइड में जो मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, अपन ऑस्मोसिस बोलते हैं। और इस मूवमेंट के लिए अपने को एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है तो वो क्या बन जाती है, डिफ्यूजन की डेफिनेशन हो जाती है, ठीक। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट, ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट करना अपने को। अपन ने एक पोटैटो लिया छिला हुआ, ठीक है, उसको थोड़ा सा कट कर लिया, बीच में से उसमें गड्ढा बना लिया। गड्ढा बनाने के बाद में क्या किया, वहाँ पे अपन ने वो कीप कप ए एम्प्टी, एक कप को एम्प्टी रखा, दूसरे कप में अपन ने क्या किया, शुगर डाल ली थोड़ी सी, तीसरे कप में अपन ने सॉल्ट डाल लिया, और फोर्थ कप में अपन ने क्या किया, शुगर और साथ ही साथ क्या डाल लिया, पोटैटो डाल लिया अपना बॉयल करने के बाद। उसके बाद उसको 2 घंटे के लिए रख दिया, कुछ हाथ नहीं लगाया उसके, छोड़ दिया उसको 2 घंटे तक। फिर क्या किया, चारों जो अपन ने कप बनाए थे इन कप को ऑब्जर्व किया, और फिर पूछता है कि क्वेश्चन का आंसर है, एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ B&C। बी एंड सी का ये जो कप थे, इनके जो होलो पोर्शंस थे वहाँ पर वाटर क्यों फिल हो गया, ठीक है। तो वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ B&C एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी पोटैटो की वो कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है, जिसकी वजह से वाटर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की साइड में मूव कर जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, एंडो ऑस्मोसिस बोलेंगे। अगर बाहर से अंदर जा रहा है तो एंडो ऑस्मोसिस बोलते हैं, और अंदर से बाहर आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सो ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, वाई इज़ पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, कि ए वाले के लिए ये जो पोटैटो है, पोटैटो नेसेसरी क्यों है। क्योंकि देखो पोटैटो से ही अपने को क्या देखना है, कि मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है इन पार्टिकल्स का, कौन से पार्टिकल, शुगर, सॉल्ट, वाटर, इनका मूवमेंट हो रहा है नहीं। पोटैटो ए इज़ नेसेसरी फॉर द कंपेरिजन, कंपेरिजन के लिए नेसेसरी है, ठीक है। जो भी अपन ने पोटैटो कप बनाए BCD, पोटैटो कप का मतलब क्या है, अपन ने कंप्लीट पोटैटो लिया और उसको इस तरीके से खाली करवा दिया, थोड़ा थोड़ा सा काट दिया बीच में से, कप की शेप देते हो, क्या बन जाएगा, पोटैटो कप बन जाएगा, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। और पोटैटो ए के अंदर अपन ने क्या किया, कुछ भी नहीं डाला, बी के अंदर शुगर डाले थे, सी में सॉल्ट डाला था, और डी वाले में क्या किया था, अपन ने टीस्पून शुगर डाली थी बॉयल पोटैटो कप में, ठीक है। तो ए खाली था, खाली वाला क्यों किया अपन ने, ताकि अपन सिर्फ कंपैरिजन कर सके। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज गैदर इन द होलोड आउट पोर्शन ऑफ A&D के पोर्शन के अंदर जो वाटर पोटैटो था, उस पोटैटो के आसपास में वाटर क्यों इकट्ठा हो गया, क्योंकि वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से वहाँ पर जो पानी है वो इकट्ठा हो जाएगा। कैसे, वाटर डज नॉट गेट, पोटैटो ए के अंदर वाटर एंटर नहीं कर रहा है, ठीक है, ए वाले में, तो क्यों, क्योंकि वो खाली है, वहाँ पर कुछ भी चीज़ नहीं डाली थी अपन ने, कोई भी कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं था। जबकि पोटैटो डी के अंदर जब अपन कोई चीज़ डाल रहे, क्या डाला था, पोटैटो डी वाले में अपन ने टीस्पून शुगर डाली थी, तो वहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगी, ऑस्मोसिस करेगी, तो उस ऑस्मोसिस की वजह से कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जानी चाहिए थी। लेकिन इस बार अपना पोटैटो कैसा था, बॉयल्ड पोटैटो था, तो बॉयल्ड पोटैटो की वजह से क्या हो गया, वहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं बन सकी और ऑस्मोसिस की प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगी, तो डीप के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है। तो ये अपने पास में फर्स्ट चैप्टर के NCERT क्वेश्चन हो गए हैं, इनको अच्छे से लर्न करो। अगर इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।